तो ये पूरा टोटल कना तल है। तो यहाँ के जानवर कैसे रहते होंगे, वो भैंसा दिखाई दे रही है और आंटी जी भैंसों को कुछ खाना या पानी पिला रही है। और यहाँ देखो पूरी स्नो पड़ी हुई। ये जूता डाला, ये दूसरा डाला। अब स्नो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ये देखो पूरा का पूरा जूता डूब गया। तो अब बना रहे हैं मैगी और साथ में चाय। तो ये बर्फ गल रही थी, उसका पानी नीचे आ रहा पूरा। हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए सुरकुंडा देवी टेंपल। तो सुनने में आया वहाँ पे स्नोफॉल हुआ है। तो अभी मैं हूँ चंबा में, मेरे पीछे आप चंबा देख सकते हो। तो चलते हैं यहाँ से फटाफट से, स्नोफॉल देख करके आते हैं। तो ये है चंबा शहर और यहाँ से आपको पूरा चंबा शहर दिखाई दे रहा है। ये देखो, तो ये है पूरा चंबा शहर। तो यहाँ पे तो स्नोफॉल हुआ नहीं है चंबा में अभी। तो सामने एक पीक दिखाई दे रही है, वो देखो। तो अभी चलते हैं सुरकंडा देवी टेंपल और वहाँ पे शायद स्नोफॉल हुआ है तो देख करके आते हैं। तो ये पड़ी हुई यहाँ पे बर्फ। तो भाई लोगों अभी हमें कनातल में, तो यहाँ पे सही हो रखी है बर्फबारी। तो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा पूरा बर्फ ही बर्फ हर जगह है ना। तो सही हो रहा है यहाँ पे, तो उतनी ज़्यादा तो नहीं है यहाँ पे रोडों पे। देखो रोड वैसी हो रही, लेकिन वैसे ठीक है। पहाड़ों में पड़ी हुई, लोगों के घरों में पड़ी हुई। तो ये लोगों के घरों में और यहाँ पे भी कल वही होगी बर्फ़बारी, तो कल पड़ी होगी ज़्यादा बर्फ, तो आज तो नहीं है उतनी ज़्यादा। तो ये पूरा टोटल कनातल है। तो अब चलते हैं, मैं थोड़ा पैदल पैदल जा रहा हूँ और आज मैं बाइक में नहीं हूँ ना, मोटर ब्लॉग चल रहा है। तो आज हम लेके आ रखे हैं कार, तो आज हम कार में ही घूम रहे हैं। अब चलते हैं आगे सुरकुंडा देवी की तरफ। तो यहाँ के जानवर कैसे रहते होंगे, वो भैंसा दिखाई दे रही है और आंटी जी भैंसों को कुछ खाना या पानी पिला रही है। और यहाँ देखो पूरी स्नो पड़ी हुई। तो यहाँ पे गाड़ियों में बर्फ जमी पड़ी है।
तो अभी हमें कनाताल में, और यहाँ पे कोई कनाताल आउटडोर एडवेंचर है तो वो करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं करते नहीं करते हैं। तो सही है, और यहाँ पे स्नो पड़ी हुई काफ़ी ज़्यादा। यहाँ से देखते हैं स्नो। अरे तो सही, बर्फ पड़ी हुई पूरी। तो ये है साइकिल, इसको चलाना है इस रस्ती पे, इस रस्ती पे। तो कोई ना जिप लाइन कर रहा है, ना स्काई साइकिलिंग, ना स्काई वॉक, कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो अब चलते हैं आगे। तो भाई लोगों, हम घर से सिलेंडर लेकर के आ रखे थे, तो हमने यहाँ पे मैगी और चाय बनाएंगे और फिर चलते हैं इसके आगे। तो अब बना रहे हैं मैगी और साथ में चाय। तो यहाँ से दिखा रहा है हिमालय व्यू, तो हिमालय व्यू देख के आते हैं। तो ये बर्फ गल रही थी, उसका पानी नीचे आ रहा पूरा, देखो। तो मैं आया हूँ यहाँ पे रास्ते में, तो मैं हूँ यहाँ पे रोड से थोड़ा सा ऊपर आ गया, और यहाँ पे सही बर्फ़ पड़ी हुई, देखो पूरा पीछे तक, देखो एकदम फ्रेश स्नो है। ये जूता डाला, ये दूसरा डाला। अब स्नो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ये देखो पूरा का पूरा जूता डूब गया। ये अबे ये देख बेटा, देख
में यहाँ पे सही हो रहा है। तो ये पूरी बर्फ ही बर्फ है। तो यहाँ पे तो पेड़ों पे भी गिरी है बर्फ। तो हम आगे नहीं जा रहे, यहीं कनाट पर थोड़ा सा आगे आकर के और यहीं पे घूम घाम के फिर निकल जाएंगे घर वापस, क्योंकि बर्फ़ हो रही बहुत ज़्यादा और गाड़ी हो रही है स्किड। ये देखो तो बर्फ़ हो रही बहुत ज़्यादा और गाड़ी हो रही है स्किड। तो बस यहीं पे रुक के फिर निकल जाएंगे सब वापस। लोगों घूम लिया है ये तनातल, तो बस निकलते हैं यहाँ से अब घर की तरफ, क्योंकि टाइम भी हो गया है। तो इसके आगे हम जा नहीं रहे क्योंकि इसके आगे हम जा नहीं रहे क्योंकि टाइम हो गया ज़्यादा और यहाँ पे स्नो जमने लगी है और गाड़ी स्केट मार रही है। तो एक दो बाइक भी गिरी और हमारी कार भी स्केट मार रही है। तो बस इसके आगे धनौल्टी और सुरकंडा देवी हम जाएंगे नहीं, तो चलते हैं यहाँ से अब घर की तरफ। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।